श्रवणम् यस्य वाचिकम् सर्ववाङ्मयम् आङ्गिकम् भुवनम् यस्य वाचिकम् सर्ववाङ्मयम् आहारम् चन्द्रताराधि तं वन्दे सात्विकं शिवम् आहारम् चन्द्रताराधि तं वन्दे सात्विकं शिवम् आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहारम् चन्द्रताराधितं वन्दे सात्विकं शिवम् आहारम् चन्द्रताराधितं वन्दे सात्विकं शिवम् सात्विकं शिवम् शिवम् नमस्कार, रागिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं भरतनाट्यम की महान कलाकारों में शुमार सरोजा वैद्यनाथन जी से, जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। कल आपने इस बातचीत का पहला हिस्सा देखा, आज बातचीत के दूसरे हिस्से में देखिए कुछ बहुत ही दिलचस्प टिप्स जो आपको इस इंटरव्यू के खत्म होने के दौरान मिलेंगी। और साथ ही साथ वो दिन जब कई कलाकार, मतलब सिर्फ सरोजा जी ही नहीं बल्कि उनके समकालीन कई कलाकार अपने अपने सफर के संघर्ष से गुजर रहे थे, उसकी भी कहानी इस हिस्से में। अच्छा, इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में मुझे अब ये बताइए, आपने बीच में कहा और बहुत जेन्युइन बात है कि जिस समय में, जिस काल में आप नृत्य करना चाह रही थी, वो नृत्य के लिए बहुत अच्छा समय नहीं था। लोग कहते थे कहाँ घर की बेटी को बाहर भेजोगे, वो डांस करेगी, लोग मजाक उड़ाएंगे। ऐसे मुश्किल वक्त में जब सिर्फ नृत्य ही नहीं बाकी भी कलाओं में
मतलब गायन भी कोई बहुत अप्रिशिएट नहीं करता था, क्योंकि उस वक्त ये सारी चीजें बस ऐसे ही शौकिया कर लो घर के भीतर, बाहर नहीं करना है। कौन कौन से साथी कलाकार ऐसे याद आते हैं आपको जो बाद में संगीत की दुनिया का बहुत बड़ा नाम हुए? क्योंकि जब आपने कार्यक्रम करना शुरू किया होगा तो निश्चित तौर पे वोकल में कुछ बड़े कलाकार बन रहे होंगे, इन प्रोसेस होंगे, वैसे ही डांस में भी कुछ लोग रहे होंगे, और बाद में फिर जब आप सब लोग बड़े कलाकार बड़े गुरु बन गए तो बड़ी अच्छी दोस्तियां रही होंगी। कौन कौन से ऐसे कलाकार अब याद आते हैं आपको? मैं थोड़ा से सितारा देवी से दोस्त हूँ, सितारा देवी खटक उनसे दोस्त हूँ, और ये रुक्मणी अरुंडेल, रुक्मणी कला क्षेत्र में रुक्मणी अरुंडेल, वो उनके पास थोड़ा दोस्त, मैंने उतना क्लोज नहीं हूँ, लेकिन आना जाना होता था। और उसके बाद बहुत कलाकार, दिल्ली के कलाकार, छोटे छोटे बड़े बड़े, यामिनी कृष्णमूर्ति है, और उस टाइम में तीन चार थे अच्छा अच्छा मैंने कलाकार थे। उनसे कुमुदिनी ना किया, उनसे भी थोड़ा थोड़ा मुलाकात होता था, लेकिन उस टाइम में इतना क्लोजनेस नहीं था जैसा व्हाट्सअप हुआ है, फोन हुआ है आपका, मैंने कॉन्टैक्ट इज वेरी इजी नाउ, वेरी इजी। उस टाइम में उतना नहीं था, फोन करो 3 मिनट करो उसका बंद हो जाएगा फोन, फिर एक्सटेंड करो, इस तरह का। सो इस तरह का बहुत मैंने हमारा चलने लगा, लेकिन जो भी दिल्ली आते थे मेरे यहाँ आ जाते थे, आधा घंटे के लिए भी आ जाते थे, जैसे चंडीगढ़ में कोसर है और कुंकुमोती है, बहुत बड़े 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 डांसर्स है, वो सब आते थे। दिल्ली का डांसर तो हम लोग मिलते थे ही, हम लोग एक एक बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, लेकिन बाहर से भी जो आते हैं ना जरूर आके मुलाकात, वो आधा घंटा से कम आएंगे, हेलो सरोजा जी एक कप कॉफी पिएंगे, ऐसे करके। मैंने इट्स ए वेरी फ्रेंडली अप्रोच मैंने तो उनके साथ। अब तो सरोजा जी आपने अपना पूरा का पूरा कहते हैं कि जीवन ही निकाल दिया भरतनाट्यम में। आप ये जो महान एक आर्ट फॉर्म है भरतनाट्यम, उसको अगर आपको अब डिफाइन करना हो, क्योंकि पहले एक कलाकार के तौर पर सीखना, फिर एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के तौर पर पूरी दुनिया में जाकर परफॉर्म करना, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, और अब एक गुरु के तौर पर, देश के सबसे सम्मानित गुरु के तौर पर उस आर्ट फॉर्म को आगे इनकलकेट करना, आगे बच्चों को सिखाना, कितना समझ पाई भरतनाट्यम को आप? नहीं, भरतनाट्यम हम लोग सोचते हैं कि क्लासिकल डांस उतना पॉपुलर नहीं होता है, नहीं, वो अपना अपना जगह पर है, वो क्लासिकल अपना जगह पर है, लाइट म्यूजिक अपना जगह पर है, जाज अपना जगह, ट्विस्ट अपना जगह पर है, सब अपना अपना जगह पर है, अपना अपना पॉपुलैरिटी है। मॉडर्न डांस, मॉडर्न डांस वो अपना, बिकॉज संतोष शेख कर रहा है मॉडर्न डांस, उनके साथ तो मैं भरतनाट्यम किया, एक ही म्यूजिक में भरतनाट्यम भी हुआ मॉडर्न डांस भी हुआ। मैंने इस तरह का आजकल कोरियोग्राफी हैज बिकम सो मच इन बिटवीन द डांसर्स, गुरुज, टीचर्स, ये जुगलबंदी, त्रिगलबंदी, मैं और रंजना गौर, उमा डोगरा एंड सब लोग किया था त्रिगलबंदी, इतना पॉपुलर हुआ कि हम लोग बहुत करते थे। और मेरा जो कोरियोग्राफी है नमामि गंगे और परमाचार्या, प्रदोषम, प्रदोषम मैंने प्रदोषम कैसा हुआ है उसका स्टोरी तो बहुत पॉपुलर है, बहुत बार मैंने 40-50 बार तो हम कर चुके हैं। नमामि गंगे अभी भी पॉपुलर है मेरा। नमामि गंगे में मैंने काली गंगा नहीं लाया, गंगा का स्टोरी लाया, भगीरथ का स्टोरी लाया, उसके बाद मॉडर्न गंगा भी लाया, कैसे उसका साफ करके क्या फायदा है उससे, दैट इज टूरिज्म एंड ये आपको क्या बोलते हैं बिजनेस, एवरीथिंग इज सो थ्रू द गंगा, थ्रू द गंगा यू गेट एवरीथिंग, द एग्रीकल्चर कुछ नहीं, ये सब दिखाया गंगा में, इसलिए नमामि गंगे अभी भी एकदम
अभी एक दो शो कर रही हूँ मैं आगे भी। अरे वो बिटियों के काली डांस डांस भी है, इसके साथ साथ मैं गंगा के बारे में बोल रही हूँ। गंगा पवित्र है, गंगा को क्लीन करो, गंगा में गंदा नहीं डालो, उसका क्लीन करके उसका एकदम पवित्र बनाओ। हमारा देश का गंगा बहुत पवित्र है, और कहाँ कहाँ गंगा जाता है, काशी में जाता है, कहाँ कहाँ जाता है, उसके सब थोड़ा से रिकग्नाइज करो। इस तरह का गंगा के बारे में, और मोदी को भी मैं लाया उस टाइम में, वो आकर के बोल रहे हैं कि कैसे करना है आपको, गंगा को कैसा पवित्र करना है। और आप के तो मतलब कहा जाए कि परिवार में मतलब आपकी बहू रमा जी, फिर उसके बाद दक्षिणा, ये सब लोग बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। इसमें कितना आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है कि ये जो परंपरा है, इतनी महान परंपरा है, वो बहुत अच्छी तरह से निभाई जा रही है आपके परिवार में? शिवेंद्र जी, मैं ये नहीं सोचा था मैं जब शादी किया कि मेरे परिवार भी उसको लेंगे, और मैं जब करने लगा तभी भी मैंने सोचा कि मेरा परिवार लेगा। मैं कर रही थी लैंड खरीदा करी, लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा, भगवान के भाग्य से रामा अभी बहुत ऊंचा चली गई। मैंने 17 साल में मेरे पास आई, अभी देखिए कहाँ पर इंटरनेशनली बहुत बड़े कलाकार बन गई। दक्षिणा भी हुई है, मेरा पोती भी, ये लोग तो यहीं पर पड़े रहते थे, नाट्यालय में भी पड़े रहते थे, कहीं नहीं जाते थे, पूरा दिन यहीं पर। और उसके जो बहन है सनिधि वैद्यनाथन, मृदंगम में बहुत अच्छा बजाती, वो डांस सीखी थी, लेकिन 10 बरस सीखने के बाद बोले कि पार्टी हमने, आई वॉन्ट टू डू मृदंगम। एंड उसका जो अभी हुआ था, पर प्रोग्राम हुआ था कमानी में, वो इट वाज पैक्ड एंड बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत बढ़िया बजाया। कला है उसका, रिदम है उसके पास, रिदम है, वो सब अपने अपने चूज किया, वो अपने चूज किया। मैं डांस में नहीं जाऊंगी, मैं, मेरे बहन और मेरे माँ और मेरा दादी सब उसी में जा रहे हैं, मैं इसमें जाऊंगी करके इस तरह का। और मेरे लड़का जो है बहुत, मैंने कामेश, मृदंग तबला बहुत अच्छा बजाता है, बहुत अच्छा बजाता है, गाना भी अच्छा गाता है, लेकिन वो थोड़ा से पीछे रह गया। मेरा भी मम्मी, एवरीबडी शुड नॉट गो, सब लोग अगर बाहर चले जाएंगे तो अंदर में कौन, एडमिनिस्ट्रेशन तो देखना है कोई, सो ही इज टेकिंग दैट फुल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया, अभी इंटरनेशनली हो गया है, 15 ब्रांचेस हो गया है इसका। सो उसको भी देखने के लिए एक आदमी चाहिए, एक, एंड ही इज फ्रॉम IIT, इंजीनियर फ्रॉम IIT, सो एडमिनिस्ट्रेशन तो पता ही है उनको, इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन चला गया, हम लोग इधर आ गए, सो डिवाइड कर गया, फैमिली डिवाइड हो गया है। वो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कर लेता है, हम लोग घूमते रहते हैं, परफॉर्म करते रहते हैं, कोई फिक्र नहीं है इस तरह का। बहुत मैंने, भगवान ने इतना अच्छा से हम लोग को लाइफ दिया कि अपना काम खुशी से करें। मुझे पता है, मेरे स्टूडेंट्स का भी बहुत सुना है कि मैंने, उसका हस्बैंड अलाउ नहीं करते हैं, उसकी सास नहीं अलाउ करते हैं, उनके ससुर नहीं अलाउ करते, उनके माँ बाप अलाउ नहीं कर सकते हैं। नहीं, मेरे लड़के इधर उधर नहीं घूमेगी, इधर उधर कहाँ घूम रहे, मैंने द वे इतना लूज टॉक्स कर लेते हैं। अभी तो सब समझने लगे हैं, तभी भी है, अभी सोसाइटी में है थोड़ा सा है, वो भी चल जाएगा, वो भी आफ्टर सीइंग ऑल दिस पॉपुलैरिटी एंड उस रिचनेस। तो अब जब सरोजा जी बच्चे आते हैं सीखने और उनके साथ उनके पेरेंट्स आते हैं, तो आप उनको समझाती हैं कि ये दिमाग से निकालें इस बात को कि नृत्य या संगीत कोई बहुत ही खराब चीज है या कोई बहुत ही हल्की चीज है, बल्कि ये तो हमारा हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, और हम अपने इस पूरे नृत्य या संगीत में जो बात कर रहे हैं वो तो अपनी संस्कृति की ही कर रहे हैं। आप समझाती हैं उन पेरेंट्स को? नहीं, जो आते हैं ना खूब पढ़ के आते हैं, द पेरेंट्स नाउ डेज खूब सब कुछ
मेरे बारे में, नाट्यालय बारे में, कला के बारे में, भरतनाट्यम क्या है और क्या क्या है, कथक, उस दे आर नॉट क्वाइट नॉलेजेबल। पहले पहले ऐसे थे, पहले ऐसे बच्चे लोग आते। मेरे लड़की को जब अभी इसमें डांस में कहें, क्या डांस सिखाएंगे आप, ऐसे पूछने वाले थे। लेकिन आज नहीं है, आजकल नहीं है। दे कम फुल्ली नॉलेजेबल। यस, आई वॉन्ट टू पुट माई डॉटर हियर इन भरतनाट्यम। मैंने आजकल बड़ा स्मार्ट होते हैं मदर्स, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट मदर्स। अभी मेरे पास मदर एंड डॉटर तो बहुत लोग सीखते हैं। पहले डॉक्टर सिर्फ डॉटर से सीखते थे, सीखने के लिए आते थे, लेकिन मदर बोली कि हम भी सीख लीजिए, एंड दे आर डूइंग वेरी नाइसली। और एक अभी मदर डॉटर का भी एक परफॉर्मेंस होगा। मैंने अच्छा लगता है देखने में कि मदर अपने काम भी करती है, उनके साथ नाच भी करती है। मैंने उसका भी एक बोला, बहुत बोलते हैं मदर्स, हम लोग को नहीं मिला मैडम, हम लोग को गुरुजी नहीं मिला, चांस अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। अभी मिला है और यू आर एंकरेज, हम लोग आना चाहते हैं, हम लोग लेना चाहते हैं इस अपॉर्चुनिटी को। मैंने पेरेंट एंड दे आर गुड लुकिंग। मैंने ये नहीं कि बदन को मोटा कर लिया, नहीं, एकदम अपने को लगेगा ही नहीं माँ माँ है इतनी बड़ी बेटी का, उस तरह रखते हैं अपने बदन। तो अब जब आप एक गुरु के तौर पर शिष्यों को इस नृत्य कला के बारे में, इस महान परंपरा के बारे में बताती हैं, तो कौन सी तीन चार खास बातें बताती हैं कि ये बहुत ध्यान रखना, ये हमारा कल्चर है, इसमें हमें कितना डीपली इन्वॉल्व होना है, ये कितना लंबा सफर है, कोई शॉर्टकट नहीं है। क्या आप उनको गुरु के तौर पर कौन सी तीन चार अहम बातें बताती हैं? नहीं, सब 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 लड़की को मालूम है, एक शॉर्टकट नहीं है। सब लड़का लड़की को जो भी सीखने आते हैं, मेल डांसर फीमेल डांसर, ये एक दिन का नहीं है, ये तो बहुत अभ्यास के बाद, तपस्या के बाद ये मिलता है। इसलिए सब द मोमेंट जान के आते हैं, आने के बाद गहरा बन जाता है, सीखने के लिए और थोड़ा इच्छा बन जाता है। अरे इतना इतना कला है, देखो इसमें सब कुछ मिल जाता है, पूरा मैंने मन का पुश और बदन का एक्सरसाइज एंड सोल का एकदम ये निर्वाणा मिल जाता है। मैंने इतना यहाँ पर आपको इसमें तो सब कुछ, एक डांस अगर आधा घंटा कीजिएगा, 1 घंटा की आप कहीं है, आप एकदम सब कुछ में पा लिए आप, मन धन सब कुछ मैंने आपको मिल गया है। बिल्कुल। और कभी कुछ ये भी बताती हैं कि क्या नहीं करना है, ये मत करना, अगर एक अच्छा डांसर बनना है तो कम से कम ये दो तीन चीजें मत करना कभी, ऐसी भी कोई टिप्स आप देती हैं? हाँ, जरूर देते हैं बच्चे लोग। मैंने एवरीबडी से डांसर, टीनेज है, और आजकल यू नो दैट वन पार्टीज होता है, ड्रिंक्स होता है, बहुत चीज होता है, लेट नाइट होता है, हाँ 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ऐसा होता है। दीज थिंग्स आई अब मैं बोलती हूँ उनको कि देखो, इफ यू वॉन्ट टू डू लेट नाइट्स, नेक्स्ट डे आप नाच नहीं सकते, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि आप थके हुए हैं पूरा रात, आप पी करके मैंने गपशप मार करके आप थके हुए हैं, सो यू कांट डांस। तो यही तो डांस रखो, नहीं तो लेट नाइट रखो, रखो तो महीना में एक बार रखो, मैंने यू टेक योर टाइम। ये नहीं बोल रहे कि आप कुछ नहीं करना है, आफ्टर ऑल आजकल के बच्चे लोग हैं, करो, लेकिन एक कंट्रोल करो, एक कंट्रोल रखो कि आपको, या कल मेरा क्लास है, आज नहीं करेंगे, अच्छा 2 दिन मेरा छुट्टी है, चलो आई विल एंजॉय माय लाइफ, इस तरह का उसको एकदम मैनेज करके उसको बना दो। देन आप, और दूसरी बात है, बहुत लेट नाइट्स और बहुत बाहर का खाना भी बहुत खराब है। खाओ महीना में एक बार दो बार, अच्छा जाओ मौज बनाओ, जो भी खाना है मन में खा लो, सब कुछ करो,
रोज जाना, रोज पिज्जा मंगाना, रोज ये थोड़ा से सेहत के लिए तुम्हारा एक कम होते जाएगा, तुम्हारा कला का जो दिमाग है, काम करने का दिमाग है कला का, वो कम होते जाएगा। तुम्हारा मोर इच्छा ऑन द पिज्जा एंड चाउमीन एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इस तरह का बोलती हूँ, नहीं ज्यादा कंपल नहीं करती हूँ, क्योंकि आजकल बच्चे लोग को ज्यादा उन लोग समझते हैं वो कंपल करना भी ठीक नहीं है, बिकॉज वो लोग अपने दोस्त के साथ जाना भी चाहते हैं, सबके साथ मिलना भी चाहते हैं, उन्हें एंजॉय करना भी चाहते हैं। करो, लिमिट रखो, बिकॉज यू आर ए डांसर, लिमिट रखो। यू आर ए सिंगर, लिमिट रखो गला के लिए, बहुत चिल्लाओ मत, मैंने बहुत ठंडा ये सब नहीं पियो, गला को प्रोटेक्ट करो। कभी नहीं, तुमको यही मशीन है गाने के लिए, यही तो मशीन है, उसी तरह नाचना भी, बदनों बदन तो मशीन है, वो मशीन को ठीक से नहीं रखेगा तो मशीन खराब हो जाएगा। उस तरह का बताती हूँ, तमाशा में बताती हूँ, तमाशा करके ही बताती हूँ, और कोई अच्छा नहीं करे। आज कल कल रात कितना बजे घर आया, एवरीबडी विल स्टार्ट लाफिंग, ऐसे ही पूछती तमाशा के लिए, नहीं, गुरु जी मैं तो कहीं नहीं गया था, ऐसे इस मैंने तरह ये की। प्रश्न सरोजा जी तमाम गुरुओं से पूछा है, लेकिन पहली बार आज वो जवाब मिला। इससे पहले बहुत सारे फिलोसफिकल जवाब मिले कि क्या नहीं करना चाहिए, पहली बार ये जवाब मिला जिससे ये समझ में आता है कि एक कलाकार के लिए उसकी फिटनेस, उसकी हेल्थ कितनी ज्यादा जरूरी है। अगर वो उसको अच्छा गायक बनना है या अच्छा डांसर बनना है या अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाना है, तो उसके लिए जीवन में डिसिप्लिन कितना जरूरी है, ये बात कोई और नहीं बता रहा है, सरोजा जी बता रही हैं। थैंक जो बच्चे इस इंटरव्यू यू, को थैंक देखें वो जरूर जरूर इस बात को माने। आपने समय निकाला सरोजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार पुनः आपके बहुत बहुत आभारी हैं। यू, थैंक यू शिवेंद्र जी, थैंक यू सो मच, प्रणाम नमस्कार। प्रणाम।